देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 माह का था, इसलिए इस माह में 8 सोमवार का संयोग भी बना था। वहीं सावन का 8वां और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से और पूजा करने से जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के पास सिर्फ एक सोमवार बचा हुआ है, इसलिए इस दिन आपको विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर पूजा विधि के बारे में। सावन का आखिरी सोमवार, इस साल सावन का 8वां और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को है। इस दिन खास संयोग बन रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण होगा, साथ ही इसी दिन सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को शाम 6:22 तक सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आप सुबह सावन सोमवार व्रत की पूजा के साथ ही शाम को प्रदोष व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह पूजा का मुहूर्त 9:09 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। इसके बाद प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 6:48 से 9:02 तक रहेगा। सावन के आखिरी सोमवार पर आपको कैसे महादेव की पूजा करनी है, आप ये भी जान लीजिए। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह स्नान के बाद व्रत और शिव जी की पूजा का संकल्प लें। सुबह शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें, फिर गंगा जल या दूध से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद शिव शंभु को चंदन, अक्षर, सफेद फूल, बेलपत्र, भांग की पत्तियां, चमी के पत्ते, धतूरा, भस्म और फूलों की माला अर्पित करें। शिव जी को शहद, फल, मिठाई, शक्कर, धूप, दीप अर्पित करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और सोमवार व्रत कथा का पाठ जरूर करें। आखिर में शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। निश्चित ही भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।